राम राम। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग का श्लोक नंबर 27 देखेंगे। यज्ञ यज्ञ तप प पूरा है इसलिए तपसी तपसी, छोटी मात्रा इसलिए लंबा नहीं खींचना है। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति ही आधा से थ थ पे ई की मात्रा थी, ई की मात्रा है थी पे छोटी मात्रा तो इसलिए विसर्ग को क्या पढ़ेंगे ही छोटा ही। स्थिति ही स्थिति ही स ती छोटा सदिति सदिति, अगर बड़ी मात्रा सदिति ठीक है सदिति। चोच्यते आधे चोक आधे च को चोक के साथ पढ़िए चोच्यते चोच्यते। अब दो लाइन पहले एक बार देखेंगे यज्ञ तपसी दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते। क आधा र म के ऊपर है जो वो आधा र म कर्म कर्म चै आई की मात्रा च पे तो चै व पूरा इसलिए अध्वनि दिए चै व। त द पूरा तद ये जो ऊपर है पहले इसको पढ़ा जाएगा क्या है ये आधा र है इसकी तरह तदर फिर इसको हटा दो तदर्थी य ये ऊपर बिंदी है वो किसकी आधे म की। ये बिंदी जब भी किसी शब्द के बीच में आती है यहाँ आती तो वो पढ़ी जाती है आधा न और जब लास्ट में आती है तो ये पढ़ी जाती है आधा म ठीक है। तदर थियम तदर थियम सदी दी छोटा इसलिए सदी आधा त सदित्य वाभी धीयते ठीक है यहाँ छोटी मात्रा तो देखिए सदित्य वाभी धी यते या पूरा है ना यते। वापस इसको एक बार आग से गा लेते हैं यज्ञ तपसी दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्ये वाभिधीयते। अब इसका अर्थ देखते हैं। हम पिछली सारी वीडियोस में परमात्मा के तीन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं ओम तत् और सत। ये तीनों से ही समस्त सृष्टि के कर्म परमात्मा को सूचित करने के लिए किए जाते हैं ये हम देख रहे हैं। अभी हम सत कर्म पे कैसे होता है उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यज्ञ यज्ञ में तपसी तप में तप यानी तपस्या और दान में च योजक शब्द है इन तीनों शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और इसका अर्थ होता है। यज्ञ में तपस्या में और दान में स्थिति स्थिति जो स्थिति है सतीति सदिति इसका विच्छेद क्या होगा पिछले वीडियोस में भी देखा है सत धन इति सदिति। आगे सत शब्द अभी हम कह रहे हैं कि परमात्मा को सूचित करने के लिए तीन शब्द होते हैं ओम तत् सत ये सत आ गया इति यानी इस प्रकार चोच्यते इसका संधि विच्छेद है च धन उच्यते च यानी और उच्यते कहा जाता है। क्या बोला कि यज्ञ में तपस्या में और दान में जो स्थिति ही है स्थिति है उसे इस प्रकार सत कहा जाता है। अब क्या बोल रहे हैं और किसे सत्कार्य कहते हैं कर्म चैव कर्म यानी कार्य चैव और ही ये दो शब्दों से मिला है च धन एव च एव का अर्थ था ही। तदर थियम इसका संधि विच्छेद क्या हुआ तत् और धन अर्थियम अर्थ का मतलब होता है किसी के लिए। यहाँ पर हमने देखा था तत् शब्द किसके लिए होता है परमात्मा के लिए तो यहाँ इसका तदर्थियम का अर्थ होगा कि उनके लिए किनके लिए परमात्मा के लिए क्या परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं कार्य किए जाते हैं वो किसमें आएंगे इसका संधि विच्छेद देखिए सत धन इति धन एव धन अभी
सत का अर्थ अभी बताया, परमात्मा के लिए सूचित करने का शब्द। इति यानी इस प्रकार, एव यानी निश्चय ही, और अभी उधर से अभी बचा, और इधर क्या है धीयते। अभी धीयते का अर्थ होता है कहा जाता है, जो उच्यते का अर्थ है वही अभी धीयते का अर्थ है। देखिए तीनों का तो हो गया, अभी शब्द वहां बचा ये धीयते, अभी धीयते का अर्थ होता है कहा जाता है। तो इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यज्ञ में तपस्या में और दान में जो स्थिति है उसे इस प्रकार सत कहा जाता है। कर्म जो परमात्मा के लिए किए जाते हैं उन्हें भी निश्चय ही एव कर निश्चय ही सत इस प्रकार कहा जाता है।